वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर की एफिशिएंसी नापने वाला टॉपिक। हाँ मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, अगर हमारे पास उस पर थोड़ा सा अटक गए थे, लेकिन वो मैंने देखा था वो सब कुछ सही था एक्चुअली। ये मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि वोल्ट मीटर की एफिशिएंसी कैसे निकालते थे। एमीटर की तो हमने सीख ली थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ वोल्ट मीटर है, इसका वोल्ट मीटर का सिंबल भी है, इसका रेजिस्टेंस आर भी है। यहाँ पे आर भी क्या होता है, जी प्लस आर डैश होता है। जहाँ पे आर डैश क्या रहता है, वो हाई रेजिस्टेंस जो कि हम कनेक्ट करते हैं कोई अगर फोन यूज कर रहा है, एक बार इसका लिंक कॉपी करके डाल दो ना एक बार ग्रुप में, फिजिक्स क्लास वाले ग्रुप में। कोई फोन अगर यूज कर रहा है ना, तो इसका एक बार लिंक कॉपी करके डालो ना एक बार, तो ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। सर उसमें आ रहा है कि ओनली होस्ट कैन शेयर। क्या बोल रहे हो? सर कोई नहीं हो गया। ओके ना, मैं क्या बता रहा था कि यार यार भी था, ऐसे करंट आती थी आई, ठीक है, और हमारा जो सिंपल था सेटअप वो ऐसा था, ये आई था और ये आर था। यहाँ वोल्टेज क्या था, यहाँ वोल्टेज था वी इक्वल टू आई आर, जो करेक्ट वोल्टेज। और यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा वोल्टेज का, तो ये हो जाएगा वी डैश इक्वल टू आई इंटू
आई की टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे इंटू आर इंटू आर वी बाय आर प्लस आर वी। ठीक है, देखो जब तुमको वोल्टेज नापने बोला जाएगा ना इस दो पॉइंट के क्रॉस पे, तुम कोई भी फॉर्मेट पे तुमको मिल सकता है वैल्यू। अगर आपको आई है तो हम टोटल वोल्टेज ले लेंगे, अगर यहाँ से अगर आई जी जा रहा है तो आई जी इंटू आर वी ले लो, या आई माइनस आई जी या आई माइनस आई जी इंटू आर ले लो। ठीक है, तो जो भी तुमको दिया गया है उसके हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं इस दो पॉइंट के अक्रॉस। वी डैश क्या हो जाएगा, आई इंटू आर कितना है हमारा, देखो तो ये तो वी है इंटू आर वी बाई आर प्लस आर वी। फिर मैं लिख सकता हूँ एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी, या परसेंटेज एरर, सॉरी परसेंटेज एरर हो जाएगा इसका v माइनस v डैश बाय v, दैट इज 1 माइनस v डैश बाय v, देयरफॉर परसेंटेज एरर हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो तो v डैश बाय v कितना हो जाएगा यहां से rv बाय r प्लस rv, तो ये हो जाएगा rv बाय r प्लस r, ये हो जाएगा r प्लस rv माइनस आर बी। ठीक है, बाय आर प्लस आर बी। ये मेरा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये बचेगा आर बाय आर बी। ठीक है, इसके बाद इसको मैं क्या ले सकता हूं, वन बाय वन प्लस आर वी बाय आर। ठीक है, तो दिस इज आवर परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हमारा हो गया रिजल्ट। इफ केस देख लो, इफ आर वी इज वेरी लार्ज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो परसेंटेज एरर क्या आ गया हमारा, अगर ये इंफिनिटी है तो वन प्लस इंफिनिटी क्या इंफिनिटी हो जाता है, वन बाय इंफिनिटी क्या जीरो हो जाएगा, मतलब कोई एरर होगा ही नहीं। और हमने पढ़ के रखा है कि जिस वोल्टमीटर का जिस वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस काफी बड़ा होता है उसका एफिशिएंसी जीरो। ठीक है, ये हमारा वोल्टमीटर का एफिशिएंसी निकालने का तरीका हो गया। V इक्वल्स टू आई आर लिया, यहाँ से मैंने वी डैश को ले लिया, जो वोल्टेज एक्चुअली होगा वो हो जाएगा आई इंटू इसका दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आर इंटू आर वी बाय आर प्लस आर वी। तो वी डैश क्या हो जाएगा, I इंटू आर को मैंने V लिख दिया इंटू आर भी वैसा कर दिया और निकाल दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज अगर और देखे कि अगर R R बड़ा हुआ ठीक है, R अगर बड़ा होगा तो R में R भी कैसा छोटा हो जाएगा, अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, और लार्ज आर परसेंटेज एरर इज मोर। ठीक है, याद रखना है कि अगर और लार्ज आर, इसलिए याद रखना है एक चीज हम लोग को कि जो वोल्ट जैसे एमीटर, ठीक है एमीटर का अगर मैं तुमको याद दिलवाऊं तो एमीटर के लिए एक्सप्रेशन था और एमीटर परसेंटेज एरर था वन बाय वन प्लस आर बाय ए। देखो उल्टा है बिल्कुल से, इसमें एमीटर का रेजिस्टेंस नीचे था और जो एक्चुअल रेजिस्टर था वो ऊपर था, यहाँ पे जो एक्चुअल रेजिस्टर है ठीक है वो नीचे है और क्या कहते हैं आर भी ऊपर। ठीक है, हमने क्या देखा था कि परसेंटेज एरर उसमें ये था, उसमें अगर हम देखते थे कि अगर वहां पे अगर ये R बड़ा था ठीक है तो परसेंटेज एरर कैसा था, छोटा था। ठीक है, और यहाँ पे अगर R बड़ा होता है तो परसेंटेज एरर कैसा होता है, बड़ा होता है। तुमको ये फॉर्मेट याद ऐसे हो जाएगा ठीक है कि वन बाय वन प्लस रेशियो होता है। ठीक है, तो रेशियो तुम R, ये पता है R भी तो ऊपर आना चाहिए तब ना इन्फिनिटी पे जाके वो एरर जीरो देगा। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मेट खाली याद होना चाहिए, बाकी सब तो सिंपल ही है। ठीक है,
आई थिंक उनको वोल्ट मीटर का भी क्लियर हो गया और एमीटर का भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो कभी एक सवाल अगर आ जाता है कि अगर हमको मान लो हमारे पास एक क्या कहते हैं वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 5000, ठीक है, और हमारे पास एक रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 5000, ठीक है, दोनों का 5000 5000 ओम, ठीक है, अगर 5000 है तो हम एक बात तो क्लियर बोल सकते कि वहाँ परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा 1/5000/5000 दैट इज इक्वल टू कट जाएगा तो बचेगा कितना 50% आ जाएगा। तो हम वो वोल्ट मीटर उस सिचुएशन के लिए प्रेफर नहीं करते। अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है तो हमारा वोल्ट मीटर जो होता है हमें काफी ज्यादा एरर देता है, हम उसको प्रेफर नहीं करते। अगर बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है तो एमीटर वहां पे सुटेबल नहीं होता है, वहां पर उसका परसेंटेज एरर काफी ज्यादा। ठीक है, तो तुमसे कोई भी तरह से पूछा जाए लैंग्वेज में क्वेश्चन, भाई हम क्यों नहीं यूज करते बड़ा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में, तो मैं एक्सप्लेन कर सकते इस फॉर्मूले से हम क्यों नहीं यूज करते छोटा रेजिस्टेंस, ठीक है, टू मेजर करंट बाय द हेल्प ऑफ एमीटर, ठीक है, तो यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। अच्छा, ये हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं, ये तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज हम लोग जो ना ये चैप्टर का एमीटर और वोल्टमीटर के प्रॉब्लम्स करेंगे। अब कल हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया था, करंट इन सर वोल्टमीटर में हमको कितना एरर कितना परसेंटेज से कम होना चाहिए? तो कोई भी सिचुएशन ले लो ना, 5% से ऊपर एरर नहीं होना चाहिए। ओके सर, 2% 3% चलता है, ठीक है, 5% भी थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है, लेकिन 5% से ऊपर जाना तो वो एरर बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर, ये सब पता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस में, ठीक है, बोर्ड में तो आने की चांस कम है, ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि भाई ये है बताओ इसको प्रेफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के इस पे आ सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन, एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है, तुम लोगों को मैंने कल एक क्लास में तुम लोगों को मैंने करंट सेंसिटिविटी बताई थी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई थी, दोनों में एक डिफरेंस हमेशा याद रखना कि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो था रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसकी जो प्रॉब्लम है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और मैंने बोला भी था कि ये सब टॉपिक क्या है, ये सब एंट्रेंस बेस्ड टॉपिक है, मतलब कि प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक क्या होता है उनके एंट्रेंस आने की चांसेस भी कैसी होती है ज्यादा होती है। अभी जैसे हमसे पूछा जाएगा एक सिंपल सा सवाल लेते पहले हम लोग, एक समय ऐसा रहेगा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा बोला गया कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 75, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 75 से लेके 100 के आसपास ही होता है, 75 से लेके 120 ऐसा ही जाता है, ठीक है, एंड इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन
करेक्ट ऑफ 5 billion. ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट it into ammeter of range 5 amps. ठीक है, देखो ये आपको गैल्वेनोमीटर दिया गया, कन्वर्ट करना आपको उसको एमीटर. ठीक है, तो बेसिकली मैंने सबको बता के रखा हुआ है कि एमीटर क्या होता है. ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये लगा दिया हमने यहाँ पे शंट लो रेजिस्टेंस वाला. ठीक है, करंट ऐसी आएगी, आई जी यहां से जाती है, आई माइनस आई जी यहां से जाएगी. ठीक है, हाँ सही है. तो कभी भी देखो हमको इस तरह के सवाल के लिए ना आपको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है. हमको हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, बिकॉज देखो फॉर्मूला तो भूल सकते हो एग्जाम में जाकर, लेकिन तुम कभी कंसेप्ट नहीं भूलोगे, तुम्हारा तो पक्के समझा हुआ है. तो मुझे क्या निकालना है कि इसको हमको किस पे कन्वर्ट करना है. तो हमको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए शंट लगाना पड़ेगा. तो शंट की वैल्यू क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट, मतलब ये पूछा गया है कि हमको शंट जो लगाना है वो कितना लगाना होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा. और हमको ये बात तो हमेशा पता होती है कि हमेशा उसको पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ. तो मैं लिख सकता हूँ आई माइनस आई जी इंटू एस, ये इसके पास वोल्टेज हो जाएगा, इक्वल टू आई जी इंटू जी. सिंपल एज दैट. आई कितना है हमारे पास, किस रेंज में कन्वर्ट करना हमको, 5 एम्पियर. माइनस आई जी कितना है, जो आई जी, आई मतलब जो करंट आप बाहर से भेजते जो जिस रेंज में कन्वर्ट करना आपको. आई जी यहाँ पे क्या हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को आई जी होता है, दैट इज 5 × 10⁻³ इंटू, हमें शंट की वैल्यू निकालनी है एस. अब यहाँ पे आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट है, वो है 5 mA. इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 75 ओम. ठीक है, तो मुझे एस निकालना. तो एस क्या हो जाएगा, 375 × 375 × 10⁻³. अब देखो यहाँ पे 5 − 5 × 10⁻³, ये इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 ही ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्योंकि 0.005 होता है. ठीक है, और याद रखना एक चीज, हम जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो हम लोग प्लस पे लेते हैं या माइनस पे लेते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई में अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो वो गलत हो जाएगा. मतलब 5 माइनस ये करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 ही आएगा, तो 5 हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 × 35 × 10⁻³ ओम. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एनीथिंग इंटू 10⁻³ क्या होता है, माइक्रो होता है ना, मिली होता है, 75 mΩ. ठीक है, अप्रोक्सीमेट. ठीक है, आगे बात समझे, अगर तुम कहते एक्यूरेटली भी निकालना तो एक्यूरेटली भी निकाल सकते हो, 375 × 10⁻³ बाय ये करो कि कितना हो जाएगा, 4.5 − 5.000 ये हो जाएगा 0.005. ठीक है ना, 4.9995. ठीक है, इसको निकाल के अगर तुम देखो ना कैलसी से, ये कुछ 75.1 mA. ठीक है, अगर ये वाला चेक, ये भी सही, ये भी सही, और मेरे को तो उसके बाद ये सवाल में आगे सबको बहुत आसान सवाल था ये. ठीक है, हमेशा इस कंसेप्ट पे तुमको ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या बोला गया, देखो जो भी हमारे सवाल आएंगे ना, ठीक है, वो इसी एमीटर पे, इसी कंसेप्ट पे ही होंगे, खाली लैंग्वेज वो चेंज कर देंगे. कैसे, देखो बोला क्या है, ये गैल्वेनोमीटर has 20 turns, the 20 divisions on its scale.
एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम एंड रेजिस्टेंस सिस्टम का 50 ओम दिया गया तो 50 लगेगी इस 50 ओम ठीक है ये वाला क्वेश्चन खास नहीं है गैल्वेनोमीटर हैज डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर करेंट ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 40 ओम बोला क्या इफ ए शंट ऑफ बस शंट इज कनेक्टेड कनेक्टेड टू दिस गैल्वेनोमीटर ऑफ टू ठीक है व्हाट मैक्सिमम करेंट इट कैन और बोला गया देर आर 50 डिवीजन ऑन स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर ठीक है बोला गया कि गैल्वेनोमीटर उस वो 1 मिली एम्पीयर करंट जब पास कराओगे तो 5 डिवीजन का वो डिफ्लेक्शन दिखा ठीक है हमने 1 मिली एम्पीयर करंट पास करवाया ये 0 था 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 1 मिली एम्पीयर करंट अगर हमने पास करवाया तो कितना डिफ्लेक्शन दिखाता है वो 1 मिली एम्पीयर उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम एक शंट कनेक्ट कर दिया गया गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो कि 2 ओम का है बोला गया कि कितना मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता है और उस गैल्वेनोमीटर पे जो हमारे पास बनाया गया है ठीक है उस गैल्वेनोमीटर पे टोटल कितने डिविजन है टोटल उस पे है 50 डिवीजन यहां से लेकर यहां तक कितने डिवीजन है 50 डिवीजन तो देखो यहाँ पर अगर हमने थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है तो उसमें हमारा कंसेप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सीधे हमारा कंसेप्ट क्या था ये जी था यहां पे हमने लगाया था एक शंट ठीक है ये आई था ये आई जी था ये आई माइनस आई जी हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम करंट क्या वो निकाल सकता है तो हमको पता है कि आई माइनस आई जी इंटू एस इसके इक्वल होता है आई जी इंटू जी के हमको यहां पे ये आई निकालना है सबसे उसका ये एस हमको दिया हुआ है 2 आई निकालना है एस हमको दिया गया 2 शंट का रेजिस्टेंस बोला गया शंट इज कनेक्टेड ऑफ टू एस शंट हो गया गैल्वेनोमीटर हैज डिफ्लेक्शन ऑफ इतना आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमको दिया गया 40 ओम ठीक है और बचा क्या आईजी व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन ये हमको यही इस क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्टली दिया गया जिसको हमको निकालना अब देखो यहां पर 5 डिवीजन जो है ना ठीक है उसमें हमको मिलता है 1 मिली एम्पीयर करंट का डिफ्लेक्शन टोटल कितने डिवीजन है यहाँ पे 50 डिवीजन तो मैं एक बात तो क्लियरली बोल सकता हूं कि यहां से 5 डिवीजन के लिए कितना मेरे को मिल रहा है 1 मिली एम्पीयर करंट तो 50 डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा करंट जो वो मैक्सिम दिखाएगा हमको 1 मिली एम्पीयर बाय 5 × 50 10 मिली एम्पीयर सही है वेरी गुड बाकी लोग का भी इसका आंसर आ रहा चैट बॉक्स पे डालते चले जाओ ठीक है अब ये हो जाएगा मतलब इसमें हमसे हमको बोला गया आईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी
10 मिली एम्पियर हो जाए। ठीक है, तो जब हमको ऐसा डिवीजन दिया गया, इतना डिवीजन है, इतना में लिखा था, तो हमको खाली उसके लिए आईजी को निकालना होगा। खाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आई माइनस आईजी, काम करता ना, पहले मैं आई को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, जो जो निकालना उसको पहले सब्जेक्ट बना देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ आई टू एस इक्वल टू आई जी प्लस, आई कितना हो जाएगा, आई जी जी टू एस दैट इज वन प्लस जी वाई, आई जी कितना 10 है, वन प्लस जी कितना है, जी हमारा है 40 बाय एस कितना है 2। ये हमारा जाएगा 220 या 40 दैट इज 21 इंटू 10 रेस टू 2 21 into 10 raised to minus, ये बार हो जाएगा 0.21 एम्पीयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट जो इससे लोग डाल सकते हैं वो ये है। ठीक है, कहाँ 1 मिली एम्पीयर का था, हमने उसको किस पे कन्वर्ट कर दिया, 0.21 एम्पीयर वाले। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, किसी को कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स पे डाल दो या माइक ऑन करके बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कोई ट्राई करो। ठीक है, ये कोशिश करो इसका आंसर तुम खुद से निकालो। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 1 एम ऑफ वन एम्पियर रेंज इज 0.018 ओम, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इंटू एमीटर मेजरिंग अप टू 10 एम्पीयर। ठीक है, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। यहां पे समझना ध्यान से, यहां पे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे। देख लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर दिया गया है, इसी को दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है, ठीक है, कि इसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, हाँ पहले शंट निकालो, सही बोले, बाकी सब सबको ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार। सपोर्ट ट्राई करो,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक तो हमारे पास ऐसे करके एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और एक यहाँ पे हमने लगा दिया शंट, ठीक है, ये हमारा एक एमीटर बन गया, शंट टेस्ट वन लगा, ठीक है, इसका ये क्या, ये पूरा का पूरा एक एमीटर है और इसकी रेंज कितनी है, 1 एम्पियर रेंज का, ठीक है, 1 एम्पियर रेंज का ही इसका क्या कहते हैं ये वाला, और इसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कितना, इसका 0.018 ओम है ये रेजिस्टेंस एस वन और जी का, ठीक है, ये हमारे पास एक एमीटर अवेलेबल है, हमें क्या करना है, इस एमीटर को कन्वर्ट करना है दूसरे एमीटर में, ठीक है, इन सच ए वे कि अब वो कितना मेजर कर सके, 10 एम्पियर। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और शंट लगा देता हूं, अगर मैंने इसमें से ये 1 एम्पियर का है, ठीक है, अगर अब मैं 10 एम्पियर करंट अगर भेजता हूं, ठीक है, तो 10 एम्पियर में से यहां से कितना पास करना चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितने की थी, इसकी कैपेसिटी थी कुल मिलाकर के 1 एम्पियर, अगर हमने अभी 10 एम्पियर करंट भेज दिया है तो अभी भी इतने ब्लैक वाले की कैपेसिटी कितने की होगी, 1 एम्पियर की होगी, तो मतलब 1 एम्पियर यहां से आईजी और यहां से जो पास करता अपना IS1, ठीक है, ये कितना पास करेगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 1 एम्पियर, और बाकी 9 एम्पियर कहां से जाने चाहिए, यहां से जाने चाहिए ना, बात समझ में आ रही है, अगर मान लो मैंने इसको कन्वर्ट करना है नए एमीटर में, तो नए एमीटर के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुराने वाले एमीटर में मैंने यहाँ पे एक H2 और जोड़ दिया, जब मैंने H2 और जोड़ दिया तो यहां से जो 10 एम्पियर गया इसमें से कितना पास हो जाना चाहिए, 9 एम्पियर करंट, अगर यहां से 9 एम्पियर करंट पास होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये अपना कैपेसिटी के हिसाब से ले रहा है एक और ये ले लेगा 9, ये लोग की बात। अब मुझे क्या करना, मुझे इस H2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, इन सच्चे वे कि यहां से ये पास करें, अब देखो अब मैं कैसे निकालूंगा H2 की वैल्यू को, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है रेड वाले के अक्रॉस, वही S1 के अक्रॉस है, वही इसके भी अक्रॉस है, तो मैं यहां पे क्लियरली एक बात देख सकता हूं, 1 इंटू इस फिगर को मैं थोड़ा सिंपल कर दूंगा तो और आसान हो जाएगा समझना, इस फिगर को मैं ऐसे बना देता हूं, ये ऐसा, अब ये दोनों को मैंने एक साथ दिखा दिया, ठीक है, ज्यादा आसान भी रहेगा समझना, यहां से 1 एम्पियर जाएगा, यहां से कितना जाएगा, ये 9 एम्पियर, अब मैं क्या बोल सकता हूं, 1 इंटू, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो 1 इंटू एमीटर का, इस एमीटर का कितना रेजिस्टेंस हमको दिया गया है, 0.01 इक्वल्स टू, इसका कितना हमको शंट लगाना है, तो 9 एम्पियर इंटू H2 कर दो, कितना H2 कितना हो जाएगा, 0.018 / 9 कर दो, ये हमारा आ जाएगा 0.002, ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ अब इसका इस एमीटर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब देखो तो ये एमीटर और ये H2 पैरेलल में, तो एमीटर का कितना रेजिस्टेंस था, 0.018 और हीटर वाले का कितना हमने कनेक्ट किया, 0.02 कनेक्ट किया, बाय टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड अप कर दो, तो 0.0, ठीक है, ये कट जाएगा 10 से 0.18 R1 R2, नीचे में टन आएगा, नीचे में टन आएगा 0.0, ये नीचे में टन आएगा 0.0018, हाँ क्या बोले इसका,
सर ये समझ नहीं है आर इक्वल टू क्या की है। देखो ना ये सिंपल, देखो ये एमीटर है और ये एच टू हो गया ना जो हमने कनेक्ट किया शंट। अब ये दोनों तो पैरेलल में हो गया। अब हमको इसका इस नए एमीटर का ये अब नया एमीटर बन गया, दिस इज अ न्यू एमीटर, ठीक है। अब इस न्यू एमीटर का अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो ऑब्वियस बात है ये एच टू और ये तो पैरेलल में, पैरेलल में मैंने बताया था ना कि शॉर्टकट हमेशा याद रखने का वन बाय आर पी होता है, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। वन बाय आर पी क्या हो जाएगा, आर वन आर टू, आर टू प्लस आर वन। तो आर पी क्या हो जाएगा, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस, ठीक है। मैंने ये दोनों स्टेप लिखे नहीं थे, अरे डायरेक्टली इसको लिख दिया आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। और ये ना तुम लोग याद कर जाओ, ठीक है, क्योंकि तो देखना तुम्हारे सामने जो है ना बोर्ड में एंट्रेंस में बहुत जगह तुमको ना दो रेजिस्टेंस वाले मिलेंगे तुमको। तो अगर दो रेजिस्टेंस वाला है तो अगर हमारा आधा मिनट बच जाता है एग्जाम में तो क्या दिक्कत है अभी, अगर आपको याद रहे तो आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। आगे समझ में, यस सर। तो सर इधर एस टू पॉइंट जीरो टू आएगा ना, एस टू पॉइंट जीरो टू आएगा। एस टू कैसे पॉइंट जीरो टू आएगा, करके देखो ये तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू आएगा। देखो ये बाय नाइन है ना, यस सर। पहले सिंपल कैलकुलेशन वो करके देखो, ओके सर। आई होप सबको समझ में आ गया ना, ये यही क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का है, ठीक है, तो सबको अच्छे से आना चाहिए। मैं क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन कर लो।